हाय गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें मैंने कहा था कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से खतरे में आ सकते हैं, और इसका रीजन ये दिया गया था कि अगर बांग्लादेश क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करता है तो चाइना अपने सारे रिलेशंस को बांग्लादेश के साथ में खत्म कर देगा। ये तो अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, लेकिन आज जो चाइना ने किया है वो थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है। चाइना ने अब ऑस्ट्रेलिया को भी धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है ताइवान के साथ में, तो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है चाइना की, उसके डायरेक्शन को ऑस्ट्रेलिया की तरफ घुमा दिया जाएगा। मतलब ये शांति से रहने नहीं देंगे। एक तरफ जहां पे आप देख रहे हो इसराइल, लेबनन और ये जो हमास ग्रुप के बीच में पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, वहीं दूसरी तरफ जो चाइना है वो इस तरीके से अलग अलग देशों को धमकी दे रहा है। तो ये अभी काफी इम्पोर्टेंट ये अपडेट थी। अब आपके लिए सवाल ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इंडिया के अलावा।